हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सानवी टेक्निकल एजुकेशन में। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क, या इसे नेटवर्किंग भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स या इंडिपेंडेंट मशीन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो ये एक नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट मशीन का मतलब हमारे तीन मेजर कंपोनेंट से है, यानी हर एक वो कंप्यूटर जिसके पास अपनी पावर है, अपनी स्टोरेज है, अपनी प्रोसेसिंग यूनिट है। पावर, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग यूनिट उसकी अपनी इंडिविजुअल है, वो एक इंडिपेंडेंट मशीन होती है। तो कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर कनेक्टेड इंडिपेंडेंट मशीन। तो जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को हम आपस में जोड़ते हैं तो ये एक कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ते क्यों हैं, यानी कि नेटवर्क की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए हमें कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जब हमारे कंप्यूटर में कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन को जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें एक कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या खास बातें होती हैं अगर एक कंप्यूटर नेटवर्क आप एस्टैब्लिश करते हो। तो सबसे पहले तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि हम रिसोर्सेज को शेयर करवा सकते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं फाइल्स और उनको स्टोर कर सकते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर पर, यानी कि यहाँ पर आप एक कंप्यूटर पर काम करते हुए उसका डेटा किसी दूसरे कंप्यूटर पर सेव कर सकते हैं और वहीं से आप उसे एक्सेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे कंप्यूटर्स क्योंकि आपस में कनेक्टेड हैं इसलिए वो एक म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। एक कंप्यूटर पर पांच क्लाइंट अगर जुड़े हुए हैं तो वो पांचों आपस में अपने रिसोर्सेज को शेयर करवा सकते हैं आपस में। और यहाँ पर तीसरा जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि आप अपने नेटवर्क पर प्रिंटर, स्कैनर, फैक्स मशीन या दूसरे तरीके के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को भी शेयर करवा सकते हैं, जो आपके काम को बहुत रिलायबल और कन्वीनियंट कर देता है। बात करते हैं अब यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की। तो जैसे कि मैंने पहले बताया है कि कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे पहला और मेन इस्तेमाल होता है कि रिसोर्सेज को शेयर कर पाना। आप कंप्यूटर रिसोर्सेज को इजीली शेयर कर सकते हैं। इसमें रिसोर्सेज के अंदर आपका डेटा, इन्फॉर्मेशन, प्रिंटर्स लाइक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स को भी आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर शेयर करवा सकते हैं। यहाँ पर आप एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, यानी कि एक लैब के अंदर अगर मेरे पास पांच कंप्यूटर हैं तो उन पांच कंप्यूटर में मैं एक कंप्यूटर को एज अ सर्वर ट्रीट करके बाकी चार को क्लाइंट के फॉर्म पे रख सकता हूँ। तो सारे क्लाइंट्स आपस में काम करेंगे और वो अपना डेटा सर्वर पे डालेंगे और जिस भी क्लाइंट को ज़रूरत होगी उस डेटा की वो सर्वर से रिक्वायर्ड करेगा, यानी उसकी डिमांड करेगा और सर्वर उसका रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। तो यानी कि सेकेंड जो यूज़ है वो सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर को आप एस्टैब्लिश करवा सकते हैं अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क को एस्टैब्लिश करते हैं। तीसरा जो है वो है कम्युनिकेशन मीडियम। यहाँ पर आप कंप्यूटर्स को आपस में नेटवर्किंग के जरिए आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं और ई कॉमर्स या बिजनेस पर्पस के लिए भी आप कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि हमें कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर नेटवर्क अगर हम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो हमें बेसिकली किन किन हार्डवेयर कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारे पास नेटवर्क केबल्स होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स होने चाहिए, राउटर्स होने चाहिए, इंटरनेटवर्क कार्ड होने चाहिए या एक्स्ट्रा नेटवर्क कार्ड होने चाहिए। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए जो कि नेटवर्क एनेबल्ड होना चाहिए। नेटवर्क एनेबल्ड होने के लिए उन कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए। उन कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए मुझे राउटर्स चाहिए होगा और उन केबल के साथ मैं इन तीनों चारों चीजों को आपस में जोड़ के एक नेटवर्क को एस्टैब्लिश करवा सकता हूं। बात करते हैं यहां पर कुछ एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहले हम लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे पहला एडवांटेजेस ये है कि वो कई सारे मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ने का काम कर सकता है और कंप्यूटर आपस में जुड़ जाने के बाद हम डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं ओवर द नेटवर्क। ये हमें हेल्प करता है प्रिंटर को शेयर करने के लिए, स्कैनर को शेयर करने के लिए, ईमेल शेयरिंग वगैरह के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्प करता है ये आपको इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, वो भी बहुत फास्ट स्पीड रेशियो के साथ। और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ करते हैं मोर एफिशिएंटली एंड लेस एक्सपेंसिव देन विदाउट द नेटवर्क। यानी अगर आप एक नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत आपको कन्वीनियंट और ईजी और कॉस्ट इफेक्टिव होगा बजाय कि अगर आप एक नॉन नेटवर्क यूज़ करते हैं। तो अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो सबसे पहले इसकी जो इनिशियल सेटअप कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है, यानी कि आपको एक नेटवर्क एस्टैब्लिश करने के लिए आपको न्यू राउटर खरीदना पड़ेगा, न्यू इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने पड़ेंगे, एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि एक बहुत ही कॉस्टली मेथड हो सकता है।
इफ यू डोंट टेक प्रॉपर सिक्योरिटी प्रिकॉशन, अगर आप प्रॉपर इसकी सिक्योरिटी को मैनेज नहीं करेंगे जैसे कि फायरवॉल, एंटीवायरस, डेटा प्रोटेक्शन, तो हो सकता है कि आपका नेटवर्क पर डेटा सेफ ना रहे और वो दूसरे क्लाइंट्स के जरिए एक्सेस किया जा सके, जो कि आपके लिए एक लॉस हो सकता है. रिक्वायर्स टाइम फॉर कॉन्स्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप नेटवर्क अपने बिजनेस पे एक नेटवर्क को एस्टैब्लिश करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करने होंगे रूल्स, ताकि आप उसको प्रॉपर प्रोटेक्ट करके रख सकें. यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाले कि अगर आप रेगुलरली सर्वर फेल होता है या केबल बार बार टूटती है तो आपका नेटवर्क टोटली डैमेज हो सकता है. तो ये सारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में. हमने कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है डायग्राम के जरिए देखा, इसमें हमने एक नेटवर्क को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, क्या क्या हार्डवेयर कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस के बारे में हमने देखा. तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी. अगर ये क्लास आपको समझ में आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय.